शुभोदय बच्चों, आज की डिजिटल कक्षा में आपको मेरा हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण के अंतर्गत शब्दभेद के बारे में जानेंगे। शब्दभेद को अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्दभेद अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी में 8 प्रकार के शब्दभेद हैं। बच्चों, हिंदी में कितने प्रकार के शब्दभेद हैं? हाँ, हिंदी में 8 प्रकार के शब्दभेद हैं। ये हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयात् बोधक। और एक बार देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयात् बोधक। आज हम शब्दभेद के अंतर्गत क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। चलो बच्चों, क्रिया विशेषण का परिभाषा होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। हाँ बच्चों, क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं? हाँ, क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। ये हैं, पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और एक बार देखिए बच्चों, पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हाँ, चलिए बच्चों, हम पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। हाँ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का परिभाषा होता है, देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान को सूचित करते हैं, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और एक बात देखिए बच्चों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान को सूचित करते हैं, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, नीमा बाहर जा रही है। नीमा कहाँ जा रही है? हाँ बच्चों, नीमा बाहर जा रही है। और दूसरा देखिए बच्चों, वे वहाँ खेल रही हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से, यहाँ कहाँ प्रश्न का उत्तर ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, यानी नीमा बाहर जा रही है। नीमा कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। वे कहाँ खेल रही है? वे वहाँ खेल रही है। ध्यान से देखिए बच्चों, कहाँ का प्रश्न का उत्तर ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, यानी दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण से यह पता चलता है कि काम किस समय हो रहा है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण जो होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण से यह पता चलता है कि काम किस समय हो रहा है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम आज जाता है। राम कब जाता है? राम आज जाता है। दूसरा, मैं अब जाता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, कब का प्रश्न का उत्तर ही कालवाचक क्रिया विशेषण। हाँ, समझो बच्चों, कब का प्रश्न का उत्तर ही कालवाचक क्रिया विशेषण है। और तीसरा देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के परिमाण को सूचित करते हैं, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण
कहते हैं। और एक बात देखिए बच्चों, जो क्रिया के परिमाण को सूचित करते हैं उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, मेरा पास कम पैसा है, मेरा पास कितना पैसा है, मेरा पास कम पैसा है। और दूसरा, राम बहुत खेलते हैं, राम कितना खेलते हैं, राम बहुत खेलते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ कितना प्रश्न का उत्तर ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और चौथा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से यह पता चलता है कि काम किस प्रकार से हुआ, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और एक बात देखिए बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से यह पता चलता है कि काम किस प्रकार से हुआ, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम ऐसे ही खेलते हैं, राम कैसे खेलते हैं, राम ऐसे ही खेलते हैं। और दूसरा, वह धीरे धीरे चलता है, वह कैसे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, कैसे प्रश्न का उत्तर ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। हाँ, समझे, समझ हो गया बच्चों, आपको धन्यवाद। चलिए बच्चों, आज हम कुछ अभ्यास के प्रश्न के बारे में जानेंगे। पहला, दीपावली कल मनाई जाएगी, दीपावली कल मनाई जाएगी, या किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? पहचान बच्चों, या किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? दूसरा, वह ऊपर गया है, वह कहाँ गया, वह ऊपर गया है, या किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? पहचान बच्चों। और तीसरा, उसे भी थोड़ा पढ़ने दो, उसे भी थोड़ा पढ़ने दो, या किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? और चौथा, वे हमारी कहानी ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, वे हमारी कहानी ध्यान पूर्वक सुने रहे थे। बच्चों, यह किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? और पांचवा, वह कुछ कह रहा है, वह कुछ कह रहा है। बच्चों ध्यान से देखिए, वह कुछ कह रहा है, ये किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? हाँ बच्चों, धन्यवाद बच्चों।